गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको मैथ में फन फोर 14 नंबर लिखना सिखाऊंगी। 14 कितना होता है? 14 14। तो ये देखिए कितनी पेंसिल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 14। ये देखिए 1, ये देखिए 4, तो ये 14 कितना हो गया? 14 कितना हो गया? 14 14 14 14 14। चलिए अब राइट करेंगे हम 14 14। सबसे पहले पेंसिल ट्रेस करेंगे, 1 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। पेंसिल ट्रेस करनी है बस आपको इसमें, 1 4 1 4 1 4 14 1 4 14 1 4 कितना हुआ? 14। अब यहाँ पर तो आप पेंसिल ट्रेस कर लेंगे यहाँ पर, और ये वाली लाइन पर जो अब खाली बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर आपको 1 4 14 कैसे लिखना है? सबसे पहले 2 पॉइंट लगाएंगे स्टैंडिंग लाइन के लिए, तो ये बन गई हमारी स्टैंडिंग लाइन। और यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ और स्लीपिंग लाइन। देखिए 2 स्टैंडिंग लाइन यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए, फिर 2 पॉइंट यहाँ और ये ऐसे पॉइंट यहाँ पर, 3 पॉइंट यहाँ पर, इन 3 पॉइंट को मिलाकर स्टैंडिंग लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्टैंडिंग लाइन स्मॉल, और इस पॉइंट से यहाँ तक स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया ये? 4। तो ऐसे आपको यहाँ पर पहले 2 पॉइंट लगाने हैं, फिर पास पास में 2 पॉइंट लगाएंगे और एक 3 पॉइंट यहाँ लगाएंगे पास पास में, फिर एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे बनाएंगे, इसकी भी स्टैंडिंग लाइन और ये भी स्टैंडिंग लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया 4। 1 4 1 4 14। 2 पॉइंट लगाए, स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट और यहाँ पर 2 पॉइंट, इन दोनों 3 पॉइंट को मिलाकर एक स्टैंडिंग लाइन, इन 2 पॉइंट को मिलाकर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, तो ये क्या बन गया? 4। यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट, और यहाँ पर 2 पॉइंट बनाएंगे 4 बनाने के लिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्टैंडिंग लाइन, इन 3 पॉइंट को मिलाकर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, तो ये हो गया 1 4 1 4 14 1 4 1 4 14। क्या बन गया ये? 1 4 14। क्या बन गया? 1 4 1 4 14। अब आप ये वाला वर्क किस में करेंगे? अपनी प्रिंटेड नोटबुक में। ओके, 1 4 14 बना लेंगे। वेरी गुड, बाय बाय।